एसएस मोरिया से छलांग लगा। मैं पूरे वेग से तैरता हुआ स्वाधीनता और न्यायप्रियता की भूमि फ्रांस तक पहुंच ही गया था। 10 वर्ष से मैं डिटेक्टिव्स को गच्चा दे रहा था, लेकिन नियति की योजनाएं अलग थी। मैं विनायक दामोदर सावरकर, इतिहासकारों ने मुझ पर हिंदुत्व की समराग्नि प्रसारित करने के अलावा कायर होने के आरोप लगाए हैं। विविध क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के दोष में 25 वर्ष का एक, ठीक उसके बाद 25 वर्ष का दूसरा, कुल जमा 50 वर्ष कारावास मुझे काले पानी में दिया गया। कदाचित अंग्रेज भी पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे थे। अंडमान ले जाने से पूर्व मुझे ठाणे जेल में रखा गया। उसी जेल में लॉर्ड मिंटो के काफिले पर बम कांड के संबंध में मेरा 17 वर्षीय अनुज नारायण राव भी कैद था, पर अंग्रेज अधिकारियों ने हमें मिलने नहीं दिया, ये जानते हुए कि यह हमारी अंतिम भेंट हो सकती थी। शायद अंडमान में आजीवन कारावास झेल रहे मेरे क्रांतिकारी अग्रज बाबा राव से मैं मिल पाऊं। काले पानी से 1000 में 10 कैदी भी वापस जीवित नहीं लौटते। हमें अपनी अंतिम यात्रा पर जाते हुए बहुत लोग देख रहे थे। मेरी शव यात्रा सफल हो जाती यदि उनमें से एक भी कह देता कि जाओ भ्राता जाओ, तुम्हारी प्रतिज्ञा मैं पूरी करूंगा, मातृभूमि को दासत्व से मुक्त करने की प्रतिज्ञा। 16 वर्ष की आयु में ली गई प्रतिज्ञा, जिसे पूरा करने के लिए मैंने तिल भंडेश्वर की गलियों में आधुनिक भारत की पहली सीक्रेट सोसाइटी बनाई, मित्र मेला, जो आगे चलकर अभिनव भारत में रूपांतरित हुई। बैरिस्टर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1906 में मैं इंग्लैंड पहुंचा और मेरा मुख्य मंतव्य था अभिनव भारत के लिए सामरिक सहयोग प्राप्त करना। अंग्रेज घाघ कूटनीतिज्ञ थे, पैसिव रेजिस्टेंस करके उनसे छिटपुट रियायत ही प्राप्त की जा सकती थी, स्वराज्य कभी नहीं। मैं ये धारणा प्रचलित करना चाहता था कि जैसे मजीनी ने इटली को सशक्त क्रांति कर स्वतंत्र एवं संगठित किया, वैसे करना भारत में भी संभव है। 1857 में इस दिशा में पहला प्रयास किया जा चुका था, वो कोई आम बगावत नहीं थी, अपितु स्वराज और स्वधर्म के लिए लड़ा गया पहला युद्ध था। सार्वजनिक स्मृति में 1857 की क्रांति को अपने वास्तविक रूप में स्थापित करने के लिए मैंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 पुस्तक लिखी। राजद्रोह के भय से कोई भारतीय प्रकाशक छापने को तैयार न था, पर हमने जर्मनी में प्रकाशक खोज निकाले। हमारे संगठन के नेटवर्क की प्रभावकारिता बढ़ रही थी। हमने तुर्की के क्रांतिकारी मुस्तफा कमाल अतातुर्क से साक्षात्कार किया। वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए हमारे संगठन के लोग मोरक्को में स्पैनिश उपनिवेश के विरुद्ध रिफ जनजाति के सशक्त विद्रोह में शामिल हुए। इंडिया हाउस में मेरी मुलाकात व्लादिमीर लेनिन से हुई और रूसियों से हमें बॉम्ब मैनुअल प्राप्त हुए, जिसकी प्रतियां हमने खोखले तले में भारत स्मगल कराई। इन्हीं मैनुअलों की मदद से अरबिंदो घोष ने बंगाल में बॉम्ब बनाने का कुटीर उद्योग सा शुरू कर दिया था, जिसकी गूंज मानिक टोला कॉन्स्पिरेसी के रूप में सुनाई दे रही थी। फरवरी 1909, नासिक में बाबा राव गिरफ्तार कर दिए गए। उनके पास से बम मैनुअल और अवयव बरामद हुए। राजद्रोह में उन्हें कालापानी में आजीवन कारावास की सजा हुई। उदाहरण बनाने के लिए अंग्रेजों ने उनका सार्वजनिक अपमान किया, पहले अपने शिशु पुत्रों को, अब पति को खो देने वाली मेरी येसु भाभी ने जैसे उस राजपूत कन्या सा अग्निव्रत धारण कर लिया था। मैं सांत्वना के अलावा उन्हें और क्या ही दे सकता था। यहां लंदन में सरकार की आंख और कान कहे जाने वाले विशेष अधिकारी विलियम कर्जन विली ने मुझे लॉ प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित कर दिया। खुफिया विभाग हम पर महीन दृष्टि जमाए हुए था, पर झटका देने की बारी अब हमारी थी। उन्मत्त भाव में था मैं जब अपने विश्वसनीय क्रांतिकारी से बोला, अगर विफल हुए तो अपना मुंह न दिखाना। जून 1909 रात 8 बजे जहांगीर हॉल।
कर्जन विली को गोली मार दी गई पॉइंट ब्लैंक। वो विश्वसनीय क्रांतिकारी कोई और नहीं मदनलाल ढींगरा था। अब कहने वाले ये कहते हैं कि मैंने ढींगरा को अपनी अंधी निष्ठा में सम्मोहित कर लिया। मातृभूमि की दरिद्र दास्ता हरने के लिए तो मैं 500 ढींगरा को सम्मोहित कर लेना चाहता था। पुलिस की लगातार बढ़ती दबिश से बचते हुए मैं पेरिस चला गया और वहां सारे काम ठप पड़ गए थे। लंदन में रहता तो कम से कम आगे की रणनीति तय कर सकता था। यह सोचकर मैंने लंदन स्टेशन पर पांव रखे ही थे कि सादी वर्दी में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चलाने के लिए मुझे लंदन से भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। मार्सियल फ्रांस में मैंने स्वच्छंद होने का प्रयास किया, जो वहां राष्ट्रीय संप्रभुता के हनन का मामला बन गया कि किस अधिकार से फ्रांसीसी धरती पर अंग्रेज अधिकारियों ने मेरी गिरफ्तारी की। पूरा विवाद परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तक जा पहुंचा। फ्रांस तो राजनैतिक शरण देना चाहता था, पर अंग्रेज मुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले थे। आधिकारिक भाषा में कहें तो आई वॉज द मोस्ट डेंजरस मैन इंडिया हैड प्रोड्यूस्ड। 27 जून 1911, सेल्यूलर जेल में मुझे अंतिम सातवें तले पर एकांत में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सेल में घुसते ही हिंदू कैदियों के जनेऊ तोड़ दिए जाते थे, वहीं मुसलमान और सिख कैदियों को दाढ़ी और केश रखने की पूरी छूट थी। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 तक नारियल का खोल पीटकर रस्सी बनाते बनाते हाथ में छाले हो जाते, जिनके फटने से पूरा हाथ खून खून हो जाता। इसी बीच भोजन मिलता, कच्चे पक्के चावल का घोल दाल या सब्जी के साथ, जिसमें सर्प कीट के अंग मिलना असामान्य न था। कुछ समय बाद मुझे कोल्हू में भेज दिया गया। आत्मा सुखा देने वाली धूप में, धूल भूसे में सने, पसीने से लथपथ अर्धनग्न शरीर को ढोता हुआ मैं दिन ब दिन महीने दर महीने चलता रहा अकेला। गतिमंद होना मतलब पठान जमादार के लात घूसों को आमंत्रण। कभी कोई मानव दिखता भी तो कर्ण कटु रुदन करते हुए फांसी को अंगीकार करता हुआ कैदी। चित्त शांत करने के लिए मैं पतंजलि योग सूत्रों का जाप करता, बेड़ियों में जकड़े रहकर रोज थोड़ा थोड़ा मरने की क्या उपयोगता, स्वच्छंद हुए तो आंदोलन फिर से खड़ा कर लेंगे। 1911 में सज रहे दिल्ली दरबार में सुखबुकाहट थी कि सरकार सद्भावना दिखाते हुए राजनैतिक कैदियों को रिहा कर सकती है। आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत मैंने भी पिटीशन दायर कर दी। सिर्फ मेरी ही पिटीशन का जवाब आया, रिजेक्टेड। विभत्स यातना से बचने के लिए कई राजनैतिक कैदी सरकारी गवाह या जासूस बन गए थे और कईयों ने आत्मघात कर लिया। हाथ में छाले होते हुए कोल्हू चलाने की तीक्ष्ण पीड़ा से इंदुभूषण ने स्वयं को मुक्त कर लिया। वो कोई आम अपराधी नहीं बल्कि मानिक टोला बम कांड का उत्कृष्ट क्रांतिकारी था। मृत्यु से द्वंद में अगर जीवित रहने की इच्छा विजयी भी हो जाए तो खुद को पागल होने से रोकना दूसरी बड़ी चुनौती थी। बम बनाने में उस्ताद उलास्कर दत्ता की चीखें पूरे जेल में गूंज रही थी। उसने अपनी मुक्ति के मार्ग का सृजन करना चाहा, पर भाग्य से जमादार ने उसे देख लिया और उलास्कर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए मैं कविता रचकर उन्हें अपनी स्मृतियों में सजोने लगा। यदा कदा मेरी बातचीत राज कैदियों से हुई। वे वीर तो थे, पर उनको अपने सांस्कृतिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समझ बहुत कम थी। कुछ वार्डर की मदद से मैं गुपचुप तरीके से क्लास लेने लगा। कांटों से कलम बनी और दीवारें बनी स्लेट। मैं जिस डिवीजन में रहता वहां की दीवारें राजनीतिक चिंतन, शास्त्र दर्शन आदि से भर देता, ताकि आने वाले कैदियों का पाठ जारी रहे। जेल के अधिकतम जमादार और वार्डर पठान थे। काफिर कैदियों को पागल कर देने वाली यातना देना उनके लिए रोमांचकारी खेल था। बचने का एकमात्र उपाय था गौमांस खाकर इस्लाम कबूल करना। अगर वो कैदी वापस हिंदू होना चाहे तो अन्य उदासीन हिंदू कैदी उसका बहिष्कार कर देते।
मैं सभ्यतागत दृष्टि से सोचता कि एक भी हिंदू का कम होना मतलब शत्रु संख्या बल की वृद्धि। इनकी आने वाली पीढ़ियां काफिरों से कट्टर घृणा में अपने हिंदू पुरखों को भूल जाएंगी। इसीलिए जेल में ही तुलसी दल खिलाकर और गीता श्लोक पढ़कर मैंने उनकी शुद्धि क्रिया शुरू की। इस सक्रियता का दुष्परिणाम, मेरे खाने में विष मिलाया गया और बाबा राव की चौकसी से मैं बच गया। फिर बाबा राव के सर पर प्रहार हुए, उन्होंने भारी रक्तपात झेला। जेल में हमने कई हड़तालें की और दंड झेले, और मैं सैद्धांतिक रूप से आमरण अनशन के विरुद्ध था। इस प्रकार से निर्बल असहाय पराजित होकर मरने से बेहतर है शत्रु को मारकर मरना। लगभग 1914 से बदलाव की हवा चली, हमें अतिश्रम साध्य कार्य जैसे कोल्हू से मुक्त कर दिया गया और मुझे यानी फादर ऑफ अनरेस्ट इन अंडमान सॉलिटरी सेल में ही रखा गया। जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य विश्व व्यवस्था पलट देने वाले युद्ध में अब भारत भी खींचा जा चुका था। जर्मनी की तरफ से अब ऑटोमान शासित तुर्की भी महायुद्ध में कूद गया। क्या महाशक्तियों की भिड़ंत से उत्पन्न हुए राजनैतिक उहापोह मुसलमानों को पैशाचिक अवसर प्रदान नहीं करता कि वो अफगानिस्तान और मध्य पूर्व से जत्थों को बुलाकर भारत में इस्लामिक राज्य बनाने की कवायद करें? उनकी वफादारी खलीफा के लिए थी ही। दूरस्थ परिणामों से व्यग्र मैंने राजनैतिक कैदियों की रिहाई के लिए पिटिशन लिखी। खबर थी कि जर्मन मदद से मेरे पुराने क्रांतिकारी साथी अंडमान पर बमबारी कर मुझे छुड़ाना चाहते थे। सेलुलर जेल की किलेबंदी कर मुझे कड़ी निगरानी में रखा जाने लगा। मेरे अग्रज बाबा राव बेड़ियों का भार ढोते हुए कठिन श्रम करते करते बस 44 किलो के रह गए थे। उन्हें टीबी भी हो गया था, डायरिया भी अनवरत चल रहा था। मुझे कुछ पचता ही नहीं था तो मैं बस पानी के साथ चावल खाता, विष्ठा में रक्त आने लगा था, वजन बस 48 किलो का रह गया था। एक के बाद एक व्याधि मुझ पर आक्रमण कर रही थी। मलेरिया होने से नस नस शिथिल हो गई थी। लगा जैसे कि मृत्यु निकल चुकी है मेरे देह का नैवेद्य लेने के लिए। मैं एक प्रशिक्षित बैरिस्टर था, पिटिशन लिखना मेरे लिए स्वाभाविक था। बरिन घोष, हेमचंद्र दास, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों की पिटिशन स्वीकार कर उन्हें मुक्त तो किया ही गया था। 1921, बाबा राव और मुझे भारत की जेलों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया, केवल इसलिए कि सेलुलर जेल को बंद करने का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार के विचाराधीन था। 10 साल पहले कालापानी में कैदियों को शिक्षित करने का छोटा सा प्रयास नालंदा बिहार का रूप ले चुका था। जेल में साक्षरता 80% हो गई थी। वहां व्यापारियों ने मेरे कहने पर बालिका विद्यालय खोला, जहां हिंदी और शास्त्रों की शिक्षा अनिवार्य रखी गई। विदा लेते हुए मैंने उन्हें अंडमान में परिवार स्थिर करके हिंदू धर्म का प्रसार करने के लिए उत्प्रेरित किया। तत्पश्चात हमें भारतीय जेल में रवाना कर दिया गया। यरवदा जेल में गांधीवादी मिले, जो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए किसी सुदूर खलीफा की पैरवी कर रहे थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्र को शक्तिहीन बना दिया, जिसका मूल्य मोपला के हिंदुओं को अपनी अस्मिता देकर चुकाना पड़ा। इतिहास साक्षी है कि मां के पहले दूध से ही मुसलमानों की निष्ठा उम्मा के प्रति होती है। रत्नागिरी जेल भी अपवाद न था, वहां भी मुसलमान वार्डन यातना देकर धर्मांतरण कर रहे थे। और मैंने पुनः शुद्धि क्रिया शुरू की। खीजे मुसलमानों ने हिंदुओं पर आकस्मिक हमला कर जेल में दंगे करने का प्रयास किया। बदले में संगठित हिंदुओं ने उन्हें विधिवत चोटें दी। संगठित हिंदू, ये शब्द सुनकर ही गांधीवादियों की भ्रिकुटी तन जाती थी। चर्चा के दौरान मैंने सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य और तर्क देकर कई गांधीवादियों को दिवास्वप्न से जगा दिया कि संगठित हिंदू समाज ही अपनी पुण्य भू, पितृ भू, मातृ भू की रक्षा कर सकते हैं। साबरमती जेल में बंद बाबा राव का अंत समय निकट जान पड़ता था। सरकार उन्हें कैद में नहीं मरने देना चाहती थी। सितंबर 1922 को उन्हें रिहा कर दिया गया।
13 वर्ष के बाद रत्नागिरी की काल कोठरी में बंद मैं सप्त सिंधु और सिंधु सागर मध्य स्थित भूमि के वैदिक आर्य समाजी खालसा लिंगायत आदि मत पंथ की एकल सभ्यतागत पहचान पर चिंतन लिपिबद्ध करने लगा। भारत के सहस्त्र वर्षों के समाज इतिहास का सार संग्रह हिंदुत्व